भाभी भाभी वो आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों, फिर से शॉपिंग पे ले जाने का इरादा है? अरे नहीं भाभी, भाभी वो क्या ना क्या एक्चुअली घर में सब लोग सोनिया को बोल रहे हैं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। हाँ तो आप भी तो यही चाहते हैं ना, फिर इसमें बुराई क्या है? भाभी बुराई तो कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोनिया को अपने जैसा बना दीजिए। मेरे जैसा? Yes, exactly like you. लेकिन सोनिया जैसी भी है, आप उसे प्यार करते हैं ना, फिर उसे चेंज करना क्या चाहते हैं? अरे भाभी सोनिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपनी तरह परफेक्ट बना दीजिए। आई मीन उसे उसे ट्रेनिंग दीजिए, उसे सिखाइए कि खाना कैसे बनाया जाता है, उसे बताइए कि परिवार में लोग मिलजुल के कैसे रहते हैं, ये कल्चर और ट्रेडिशन की बातें ट्रेन कीजिए भाभी। वो क्या ना कि अगर आपकी वाइफ की कोई तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है ना, और वैसे भी वो आपकी बात तो बहुत जल्दी सीखेगी, सो प्लीज भाभी। ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। काफी दिन से देख रही हूँ कि सभी आपके पीछे पड़े हैं, ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, पर आप है कि बात टालते रहते हैं। भाभी मगर बस मैं इतना चाहती हूँ मेरे प्यारे देवर जी कि अब आप ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए। वो नो भाभी। तो ठीक है, मेरी तरफ से भी हो जाएगा। ओह नो देवर जी प्लीज। अरे नो 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 भाभी। अच्छा भाभी मैं ऑफिस चले जाऊंगा, भला आपकी बात भी कोई डाल सकता है? हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जी, मैं राजवंश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ, क्या मैं सचिव जी से बात कर सकता हूँ? अरे रस्तोगी, सुना है कंपनी का मर्जर लंदन के स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन के साथ में हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। अगर ये मर्जर हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ बढ़ जाएगा। दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार। राइट। ये कैसे सुनता है? एक बार पर चेक करता हूं। यहां तो बहुत भारी हेरा फेरी है, किससे बात करूं? नवीन जी, हाँ विनीत, कैसा चल रहा है काम? हमारा ऑफिस पसंद आया कि नहीं? सर मैं फाइल चेक कर रहा था, ये अकाउंट्स में यहाँ भारी हेरा फेरी है। आप अपने अकाउंटेंट को पूछिए कि ये सब कैसे। मैंने तुम्हें ये डिपार्टमेंट मैनेज करने के लिए रखा है, फाइलों में गलतियां देखने के लिए नहीं। सर लेकिन अरे ये काम तो कोई भी कर लेता, फिर तुम्हें इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? इस तरह टाइम पास करने के लिए जॉब दी गई है तुम्हें? अरे डिपार्टमेंट संभालने के बजाय पहले दिन से ही तुम ये फालतू के काम ले बैठे। व्हाट नॉनसेंस। काम पे ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, समझे? फुर्रापे? हाय, ये क्या होता है? अजीब नाम है। और ये क्या है? कप्पा कप्पा
चूना? राम 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 राम। कप्पा चूना? हाय राम। इसमें चूना डालते हैं? ये क्या बात है भाई? राम राम राम। ओह गॉड, ये बेवकूफ तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर देगी। बड़े बड़े अजीब अजीब नाम है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे क्यों नहीं लिख सकते? इलायची वाली चाय, स्पेशल कॉफी, अब लस्सी मलाई मार के, है ना? खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या लोगी? वेटर, वन फ्रैपे विद लेस शुगर। जी मैडम। और तुम क्या लोगी मालती? वन फ्र, वो जो बोले ना वही वही लग रही है। इनके लिए भी वन फ्रैपे विद ओके शुगर। जी मैडम। और मालती, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। विनीत को इतना अच्छा जॉब मिल गया, घर में भी सब बहुत खुश होंगे, क्यों? हाँ ये बात तो है, लेकिन हमारे घर में ना सिर्फ यही एक बात नहीं है खुशी की। रागिनी को उसका कला केंद्र ताज महोत्सव के लिए भेज रहा है, अब वो वहाँ डांस करेगी। और वैसे भी उस डॉली की चीटिंग पकड़े जाने के बाद उसको ताज महोत्सव से हटा दिया तो फिर रागिनी का नंबर ही आएगा ना। माय गॉड, डॉली ने चीटिंग की थी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई अवनी? डॉली ने चीटिंग की थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हम सब तो वहीं थे, ये सब कैसे हुआ बताओ ना। हाय राम, क्या करूं, इसे से बताऊं या नहीं? आधी बात तो निकल ही चुकी है तो। मालती, हम तो बहने जैसे हैं, हम दोनों में तो कोई राज वाली बात ही नहीं। बताओ ना, टॉली ने क्या चीटिंग की? पता है, झूठ तो मैं बोलती नहीं, दरअसल ना उस डांस कंपटीशन में रागिनी जीती थी, लेकिन हुआ यूं कि छोड़ो, अंत भला तो सब भला। आ गई, ये वही है ना जो इन्होंने मंगाया था? जी मैडम। ठंडी है ना? जी। थैंक यू। पता है कम्मू, मुझे ना आजकल सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल अच्छा लगता है। आजकल इतनी गर्मी हो गई है ना, वैसे एसी कितने का मिलता होगा? पता है मुझसे ना ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। राम 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 राम। और यू नो हमारे घर में जो पंखा है ना, वो तो कुछ काम करने है। लगभग 15-20 हज़ार का आता है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ लगे हाथे खरीद लूँ। अरे मालती, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, एसी प्लाज्मा कार सब कुछ ले सकती हो। बस विनीत से कहना मन लगा कर काम करे, फिर देखना कितनी तरक्की होती है उसकी। क्या जबरदस्त खबर हाथ लगी है, अब इस बात को लेकर मैं डॉली को साधना के खिलाफ भड़का सकती हूँ। ग्रेट, अच्छे से प्रेस करते हैं और फिर उस पे लगाया काजू और किशमिश और बन गए लड्डू। वाओ, तुम कितना परफेक्ट लड्डू बना लेती हो। इट्स सो परफेक्ट। तुम भी बना सकती हो, अच्छे से प्रेस करो। ये लो, और अच्छे से प्रेस करो इसको, अच्छे से प्रेस करो। उफ, फिर से ट्राई करो। कोई बात नहीं, ट्राई करो, बनेगा। ये लो, इसे ट्राई करो। अब इसमें ये काजू लगाओ। वाह, ये तो बन गया, टूटा भी नहीं। अरे वाह, आपने तो इसको अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा कि इसे काफी टाइम लगेगा ये सब सीखने में, पर देखो ना इतने कम टाइम में उसने कितने अच्छे लड्डू बनाए। देखो कितने अच्छे गोल गोल लड्डू बनाए इसने। तुम नाश्ते में पूरी नहीं बनाओगी? हाँ? वो मैं सोनिया को लड्डू बनाना सिखा रही थी ना। लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथ की पूरी पसंद है।
मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन आप ये लड्डू तो टेस्ट कीजिए, ये सोनिया ने पहली बार बनाए, बहुत अच्छे। टेस्ट करके देखो कैसे बना। ये क्या, खाने खाने का वक्त है? ये देखो देखो, ये खाने का वक्त है ये। आलिक जी, इस वक्त मैं सोनिया को लड्डू बनाना सिखा रही थी ना, तो मुझे सिखाओगी तो मैं बना सकता हूँ गोल गोल लड्डू। भाभी, ये लड्डू बहुत डिलीशियस है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सोनिया ने बनाया। सोनिया, अब अमेरिका जाके ये लड्डू बनाना भूल तो नहीं जाओगी ना? अरे नहीं भाभी, सोनिया उन लड़कियों में से नहीं है जो देश से बाहर जाके अपने देश के संस्कार भूल जाए। और वैसे भी आपको पता है यूएस में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कितना कॉमन है, लेकिन मेरी सोनिया ने आज तक सिगरेट और ड्रिंक नहीं किया। ये विदेश में पली बड़ी जरूर है, लेकिन इसकी सोच और इसका दिल दोनों हिंदुस्तानी है भाभी। इसकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है भाभी। मतलब सोनिया ने अपनी स्मोकिंग की आदत रणवीर जी से छुपा रखी है। भाभी, ये लड्डू तो सोनिया ने कमाल के बनाया। आप इसी तरह इसको ट्रेनिंग देते जाइए कि इस घर की परफेक्ट बहू बन पाए। आप ही की तरह ये साधना की बच्ची एक एक करके सबको अपनी तरफ करने में लगी है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। डॉली, डॉली तुम डांस क्लास जा रही हो ना? लेकिन बैग लिए बगैर डांस क्लास, ऐसे कैसे डांस क्लास जा रही हो? आई मीन तुम्हारे घुंघरू कहाँ है? मैं डांस क्लास नहीं जा रही। यानी मैंने जो कुछ सुना है वो बिल्कुल सच है, है ना? क्या सुना है तुमने? यही कि साधना की बहन रागिनी ने तुम्हें ताज महोत्सव से डिस्क्वालीफाई करवा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस पूरे घर में मैं ही तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मुझे पता है कि सब कुछ साधना का किया कराया है। वो दिखती है भोली, लेकिन है बड़ी चालबाज। हाँ डॉली, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कमरे में क्या ब्रेकफास्ट लेके इसलिए आई थी ताकि मुझे नीचा दिखा सके? हाँ, मेरे ताज महोत्सव से डिस्क्वालीफाइड होने के बाद तो उसने शुरू की। क्या हुआ डॉली, तुम क्या सोच रही हो? देखो ये वक्त सोचने का नहीं है, तुम्हें कुछ करना होगा। यू हैव टू डू समथिंग। मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। ये अकड़ू ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे तीर तो चलते ही रहेंगे। कभी ना कभी तो निशाना सही लगेगा ही ना।
नीचे और ये ऐसे नहीं, ऐसे, और ये पैर ऐसे, फिर से करके देखो। बिल्कुल सही, अब सही हुआ। इसी तरह करना। देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बहुत मायने होते हैं, जैसे कि ताल, भाव, मुद्रा, इन सब को समेटना होता है नृत्य में, और वो भी सहजता के साथ। वही असली हुनर होता है। भूलना मत कि तुम ताज महोत्सव के लिए जा रही हो, जहां देश की बेहतरीन डांसर्स हिस्सा लेंगे। बात कंपटीशन या इनाम की नहीं है, बल्कि सम्मान की है। मेरी जगह ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव जा रही हो मेरी जगह। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर जाने से पहले एक सच्चाई जान लो, इन फैक्ट पूरी सच्चाई। ये सब तुम्हारी बहन साधना का किया था। पहले तो उसने पैसों के खातिर खुद को बेच दिया, और अब मेरी माँ को इम्प्रेस कर जो चाहे वो करवा ले। ये सब भी उसी का किया धरा है जो आज तुम मेरे जगह पर हो, समझी तुम? डॉली, ये क्या बकवास है? तमीज से बात करो। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी पर झूठा इल्जाम लगाने का। और ये नृत्यालय नहीं, हमारे लिए एक मंदिर है। अपने मन से अहंकार तो उतार नहीं सकती तुम, कम से कम क्लास में चप्पल उतार के तो आती। माना कि तुम्हारे मन में गुस्सा है, जलन है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं उसे जताने का। गुस्सा मुझे इस बात का है कि आप सच्चाई देख ही नहीं रही हैं। ये लड़की भी बिल्कुल अपनी बहन साधना की तरह चालाक और लालची है। छोटा सी मिडिल क्लास लड़की, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।